हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही कम टाइम लेने वाला एक रेसिपी लेके आई हूँ, पटेटो का कचौरी। बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाने के लिए ना मैं कुछ भी बेकिंग सोडा या पाउडर ये सब यूज नहीं किया है। बहुत ही कम सामान में मैं इसको बनाया है और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। इसके लिए मैंने लिया गेहूँ का आटा 1.5 कप लिया है मैंने, और ऑयल लिया मैंने जितना चाहिए। आटा देखो इस तरह से ऐसे क्रम्बली हो जाए तो मानो कि ऑयल का हम जितना भी क्वान्टिटी लिया है सही मात्रा में हम ऑयल दिए हैं। इसमें हम नमक और जितना चाहिए पानी ऐड करके एक अच्छा सॉफ्ट डो बनानी है। और इसको ना किसी एक प्लेट या गीला किया हुआ कपड़ा ढककर 10 से 15 मिनट्स के लिए इसको रख देते हैं साइड में। हमें रोटी के लिए जिस तरह से डो चाहिए ना वैसे ही इसका कंसिस्टेंसी रहेगा। समोसे के लिए थोड़ा हार्ड वाला डो बनता है, बट इसके लिए हमें सॉफ्ट डो ही चाहिए। अच्छे से गूंदने के बाद एक कपड़ा लेके ढक के मैं रख दूँगी साइड में। तो चलो चलते हैं इसके लिए स्टफिंग बनाने के। पटेटो का मसाला हम बनाएंगे, वो भी बहुत ही इजी है, बहुत ही ऐसे कम स्पाइसेस में, बहुत ही कम स्पाइसेस में यूज़ किया है। तो चले, इसके लिए मैंने ये बॉइल्ड पटेटो 3 मीडियम साइज़ का लिया है। इसको अच्छे से मैश कर देते हैं। फिंगर का हेल्प ले सकते हो। मैं ये पटेटो मैशर लिया है, ध्यान रखना इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, नहीं तो हमारा कचौरी फट सकता है। देखो मैं अच्छे से मैश कर ली और मैं अलग एक बर्तन को निकाल लूँगी। देखो कितना खिला खिला लग रहा है पटेटो। अगर आपके पटेटो में जूसी है, जूसी जूसी लग रहा है या गीला गीला लग रहा है तो आप बेसन का यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ये स्टफिंग अच्छा नहीं आएगा। मसाले मैंने यहाँ ली जीरा पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, अमचूर पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर। ये 4 मसाले ही मैं यूज़ कर रही हूँ। और पटेटो बॉईल करते टाइम मैं नमक ऐड किया था, फिर भी अगर कमी लग रहा है तो आप ऐड कर सकते हो। अच्छे से मिला लेते हैं। बस इसको ज़्यादा ऐसे ऐसे प्रेस करके हाथों में नहीं बनानी है, हल्का सा हाथ में ऐसे प्रेशर दो, नहीं तो ये ज़्यादा चिपका सा लगेगा। तो लास्ट में मैं धनिया का पत्ता ऐड कर देती हूँ, बहुत ही बारीक बारीक। मुझे ना धनिया का डंठन लगा तो मुँह में मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसको बहुत ही बारीक बारीक में कटिंग कर लेती हूँ। ये ली मैंने एक ग्रीन चिल्ली, इसको भी फाइन चॉप कर देते हैं और ये सबको अच्छे से मिला लेते हैं। बन गया हमारा डो, सब तैयार हो गया है। अभी चलो बनाते हैं हमारा कचौरी। ये देखो 15 मिनट्स के बाद हमारा आटा का डो ना और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। हमको फिर भी ऐसे इस तरह से मसलना है, ऐसे ऐसे करके कुछ पार्ट्स करके हमको राउंड राउंड बॉल बनानी है मीडियम साइज़ का। इस बॉल को लेके हम बनाएंगे हमारा कचौरी। एक बॉल लेके ना हमको इसे कटोरी जैसे बनानी है। चारों तरफ देखो इसका जो साइज है ना कहीं से भी मोटा या पतला नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हमारा कचौरी जो है वो फट सकता है। अभी मैं इसमें भरूंगी आलू का मसाला। मैं ज़्यादा आलू का मसाला भरूंगी ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा मसाले ज़्यादा देने से। एंड आपसे भी देखा मैं बहुत ही कम स्पाइसेस यूज़ किया है ये पटेटो मसाले में। आप चाहे तो जिंजर गार्लिक का भी यूज़ कर सकते हो, बट इतने में भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। एंड देखो मैं स्टफिंग कैसे कर रही हूँ। आलू का जो मसाला है इसको थोड़ा प्रेस करते हुए आटे को हमको ऊपर उठानी है, ऊपर उठा के क्लोज करने की मैं ट्राई कर रही हूँ। और जैसे ये अच्छे से सीलिंग हो जाए एक्स्ट्रा जो बचा हुआ आटा हमको निकाल लेना। कुछ नहीं बचा तो अच्छी बात है, आपको ऐसे ही प्रेस करनी है। इसको अभी हम थोड़ा प्रेस करके आलू के पराठे से थोड़ा मोटा बेलनी है, पतला बेलो तो ये अच्छे से नहीं फूलेगा। हो गया ये, और देखो इसका साइज ना इतना ही रखनी है। चाहे तो आप आटा बेलने के लिए आटा का यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसमें ऑयल मिलाया था ना तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा। अभी मैं और एक बना के दिखाऊंगी एक अलग तरीके से। पहला तरीका मैं कटोरी जैसे बना के इसमें इसके अंदर मैं आलू का मसाला भरा था। दूसरा तरीका अभी मैं एक मोटा सा पूरी बनाऊँगी, अच्छे से प्रेस करके मैं फैला दूँगी और इसके अंदर मैं स्टफिंग भरूँगी। इसके बीच में मैं आलू का मसाला रख दिया और अभी क्या करूँगा मैं इसका जो एडजस्ट है एडजस्ट को ऊपर उठा के हमको सेंटर तक लेके आनी है और इसको अच्छे से सीलिंग करनी है। सीलिंग हो जाने के बाद जितना भी बचा हुआ आटा है इसको निकाल लेने, अगर नहीं बचा तो ऐसे ही प्रेस कर दो। जिस साइड में आप सीलिंग कर रहे थे उस साइड को नीचे करके आपको प्रेस करनी है। आप इसको बीच में ऐसे लेके एडजस्ट तक प्रेस करनी है तो ये अच्छे से चारों तरफ से अच्छे से इसका थिकनेस जो है सही आएगा।
देखो सारे हम बेल के तैयार कर लिया, अभी हम चलेंगे ये सब को तलने के लिए। तलने के लिए हम ऑयल लिया है, इसको मीडियम हीट करनी है, ज़्यादा हीट नहीं करनी और कम हीट में भी नहीं बनानी है। समोसे के लिए ऑयल को लो हीट करनी है, बट इसके लिए हमको मीडियम हीट में ही पकानी है। कढ़ाई में जितना आएगा उतना डालो, ज़्यादा मत डालो, ये अच्छे से नहीं फूलेगा। अभी मैं दो डाल रही हूँ इसमें। दोनों को अच्छी तरह से कुक करनी है, इसे पलट के। ये एक साइड में अच्छे से कुक हो जाने के बाद ही दूसरे साइड को पलट लेना है, नहीं तो ऐसे करो तो पलटो तो इसका जो ऊपर का पार्ट है ना वो कच्चा रहता है, तो स्पैचुला लग के फटने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। और ये देखो ये अच्छे से फूल गया, एक साइड उसका हो गया। अभी मैं इसको पलट रही हूँ, दूसरे साइड थोड़ा लाइट ब्राउन होते तक इसको पकानी है। अभी देखो ये हो गया, निकाल लूँगी ये सबको एक प्लेट में। देखो ये कचौरी ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और फूला फूला लग रहा है। इस तरह से बाकी के सारे कचौरी हम तल के तैयार कर लेते हैं। बीच बीच में ऑयल ज़्यादा हीट हो जाए तो गैस को सिम कर दो, नहीं तो कचौरी जो है वो जल जाएगा और अच्छे से फूलेगा भी नहीं। तो ये भी देखो फुलके हो गया है एक साइड, अभी मैं पलट रही हूँ। कचौरी देखो बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो गया, तो लगभग हाफ एन आवर लगेगा सारे तैयारियाँ ये सब करने में, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हो, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसमें दो चीज़ों में। इसके लिए घर पे आटा नहीं तो मैदा, इसके साथ पोटैटो, ये दो चीज़ें हो तो आप ये बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बना सकते हो। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक कर दीजिएगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा।